ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न ने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी दो मिनट मेरे साथ भगवान नाम का कीर्तन करेंगे भाव से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। आप सभी भक्त वैष्णवों को
मेरा प्रणाम, जय श्री राधे। लॉकडाउन के समय का हम सभी एक अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि 7 दिन तक भक्तों का चरित्र आप तक मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी में पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि कुछ चरित्र अभी जो मेरे हृदय में हैं, मेरे विचार में हैं, वो अभी शेष रह गए हैं, तो इसको और 10 दिन के लिए यानी 3-4 दिन और बढ़ा दिया गया। और इन 3-4 दिनों में हम सभी भक्तों के चरित्र तो सुनेंगे ही, और भी कुछ प्रसंग मेरे मन में विचार में आएगा तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। कई लोगों ने कहा भी और मुझे संदेश भी प्राप्त हुआ, कुछ लोगों का कहना था कि हम श्री राधा रानी के विषय में कुछ श्रवण करना चाहते हैं। यद्यपि मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा तत्व के विषय में कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं, मेरी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो राधा तत्व के विषय में कुछ बोल सकें। मुझे मालूम है ये मेरी अनाधिकार चेष्टा है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं श्री किशोरी जी के गुणों का वर्णन कर सकूं, और इसलिए मेरा हृदय भी बहुत व्यथित था कि मैं उन किशोरी जी के विषय में क्या बोलूं, जिनके चरणारविंद ही भवसागर से पार जाने के लिए काफी हैं। मैं अधम भला उनका क्या गुणगान कर सकूं, लेकिन फिर मन में भाव आया कि वो किशोरी जो हैं और कृपामयी हैं, कुछ तो कृपा शायद कर ही देंगी, कुछ नहीं तो बस उनका नाम गा लेंगे और उनको रिझाने का प्रयास करेंगे। कुछ एक ब्रज के रसिक जन अपने वाणी से श्री राधा रानी के नामों का गुणगान करते हैं और कहते हैं, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिन की शरण, घन श्याम जिन की शरण, धन धन राधिका के चरण,
हम बोलत अट पटी वाणी, क्योंकि हम राधे जो के बल अभिमानी, हम राधे जो के बल अभिमानी, पड़े रहत अलमस्त झकोरे, पड़े रहत अलमस्त झकोरे, क्योंकि सर पर राधा रानी हमारे सर पर राधा रानी, हम राधे जू के बल अभिमानी, हम राधे जू के बल अभिमानी, हम राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसिया सो बोलत अटपटी वाणी। क्यों ठाकुर जी से भी कभी टेढ़ा बोल बैठते, क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, हमारे ऊपर श्री किशोरी जी का आशीर्वाद है, हमारे सर पर उनका हाथ है। कई लोग कहते हैं कि कौन थी राधा, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी महिला जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे और कृष्ण की प्राप्ति में वो बिलखती रही, वो रोती रही। किंतु मुझे बड़ा हृदय में आघात होता है जब कोई श्री किशोरी राधा रानी को साधारण समझ बैठता है। लगता है कि ये जीव अपने जीवन में कितने बड़े आनंद से अभी वंचित है कि ये राधा नाम के रस को नहीं जानता। किंतु फिर लगता है कि नहीं, शायद अगर राधा रानी इसे अपना बनाना चाहती तो कब की इसकी मति को, इसकी बुद्धि को परिवर्तित कर सकती थी। लेकिन शायद वही अभी इनको अपनाने के लिए योग्य नहीं समझती, इसलिए शायद ये राधा नाम से विमुख है। कृष्ण भी जब राधा कहते हैं तो श्री कृष्ण का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है एक राधा नाम को सुनकर के। उनका नाम कृपामयी ऐसे ही नहीं है, न जाने कितने अधमों को उन्होंने उबारा है, कितनों पर कृपा की है। एक प्यारा प्रसंग आता है श्री राधा रानी के विरह का। राधा बाबा लिखते हैं कि एक बार किशोरी राधा रानी ललिता के साथ और कुछ मंजरियों के साथ निकल पड़ी हैं, जा रही है पुष्प चयन के लिए, और चलते चलते बार बार अचानक पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, मानो किसी की इंतजार, किसी की प्रतीक्षा में, प्रगाढ़ चिंतन में लगी हुई हो।
पगडंडी पर चल रही है, लेकिन जैसे यमुना की धार को देखती है, उस निर्मल प्रवाह जल को देखती है, तो अपने हृदय की उस पीड़ा को रोक नहीं पाती और जोर से चिल्लाती है, हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम। और पास खड़े एक वृक्ष के समीप श्री राधा रानी को अपने प्राणाधार श्री श्याम सुंदर का विग्रह नजर आने लगता है, और उसको देखते ही वो पागलों की भांति दौड़ने लगती है। तभी ललिता उनका हाथ पकड़ लेती है कि श्री जी आगे मत जाओ, आगे बड़ा प्रवाह है यमुना का, हाथ पकड़ के बिठा देती है। तभी एक और ग्वालिन बरसाने की ओर से भागी भागी आ रही है, बिखरे बाल है, कुछ होश नहीं, मानो भयंकर नशा करके आई हो। और जैसे राधा रानी के समीप आई, श्री राधा रानी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, एकदम आलिंगन में भर लिया। और जैसे उस ग्वालिन को राधा रानी का आलिंगन प्राप्त हुआ, वो और जोर जोर से रुदन करने लगी। राधा रानी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? ग्वालिन बोली, किशोरी जो क्या बताऊं, राधा रानी के पूछते उसकी अश्रुधार बह पड़ी, और बार बार कुछ न बोलने के बाद बस एक ही लाइन, एक ही शब्द को दोहरा रही है, काहे मारे नयन बान सांवरो, काहे मारे नयन बान सांवरो। बस इसी लाइन को, इसी शब्द को बार बार दोहराती है। श्री जी ने उसको हृदय से लगाया, सांत्वना दी, और बस इतना कहा उसने, यही गाती बोलती जा रही है पागलों की भांति, मानो इसकी मति का कोई हरण कर ले गया हो। बस यही गाती गाती वहां से भागने लगी। राधा रानी ने रूप मंजरी को कहा कि जा तू इसको संभाल। रूप चली गई उसको, उसका पीछा करते करते। वो ग्वालिन तो चली गई, लेकिन अब वो काहे मारे बान सांवरो शब्द अब श्री किशोरी जी की जुबान पर आ गया, और बस वही गाती जा रही हैं, काहे मारे बान सांवरो। बार बार कभी मूर्छित हो जाती, होश आता तो फिर ललिता से कहती, ललिता देख वृक्ष के पीछे श्याम सुंदर खड़े हैं। ललिता कहती है, अरे पगली, वो तेरा भ्रम है, तू पागल हो चुकी है, तेरे नैनों में कृष्ण है, इसलिए तुझे हर जगह श्याम सुंदर दिखाई देता है। तभी पास में एक मंजरी खड़ी है, राधा रानी ने उससे कहा कि देख तो सही, ये ललिता मानती ही नहीं है कि यहां श्याम सुंदर खड़े हैं, तू आके बता, ये कहती है कि तू पागल हो गई है, अगर तुझे भी श्याम सुंदर नहीं दिखते तो क्या सचमुच में पागल हूं? कहके राधा रानी ने उस मंजरी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, उधर देख, कदम के पीछे श्याम सुंदर खड़े हैं। उस मंजरी ने देखा तो वो भी जोर जोर से उछल के गाने लगी, काहे मारे नैन बान सांवरो। अरे हाँ हाँ रानी, देखो मुझे श्याम सुंदर नजर आ रहे हैं, बंशी बजा रहे हैं। अब राधा रानी ललिता की ओर व्यंग के रूप में देख के कहती है कि देख ले, तू कहती थी कि मैं बावरी हूं, पर मैं बावरी हूं, पर ये मंजरी भी थोड़ी पागल है। ललिता को बड़ा चंबा हुआ, इसको भी दिख रहा है, राधा रानी को भी दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? तो ललिता ने मंजरी से कहा, जरा श्याम सुंदर से पूछ तो, मुझसे क्या अपराध हो गया, तुझे दिखाई दे रहे मुझे नहीं? तो मंजरी ने श्याम सुंदर से पूछा, तो श्याम सुंदर ने जवाब दिया कि मैं दिख इसलिए रहा हूं क्योंकि इस मंजरी को राधा रानी ने अपने हृदय से लगाया है,
राधा रानी ने कंठ से लगाया है, उनके स्पर्श करते ही इसको दिव्य दृष्टि आ गई। ललिता कहती है, श्याम सुंदर हम पर भी तो कृपा करो, हमें भी तो दर्शन दो। तो श्याम सुंदर उस मंजरी के द्वारा कहलवाते हैं कि मैं जानबूझ के तुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुझे भी अगर मैं दिखाई दे जाऊंगा तो यहाँ पूरी पागलों की टोली इकट्ठी हो जाएगी। राधा खुद पागल है, तू भी पागल हो जाएगी, तो इस राधा को कौन संभालेगा? इसलिए तेरा दायित्व है श्री जी को संभालना, इसलिए मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा। बस इतना कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और फिर श्री राधा रानी अपने विरह में श्याम सुंदर को पुकारना आरंभ करती है। ये भाव ब्रज में ही हो सकता है और ये भाव श्री राधा रानी के ही अंदर पाया जा सकता है। थोड़ा राधा रानी के विषय में शास्त्रों के अनुसार चर्चा कर ली जाए। राधा रानी को श्री कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है श्री धातु हिंसायाम शृणाति हिंसति दोषाण इति श्री ही, अर्थात जो आपके सब दोषों का हरण कर लेता हो, जो आपके सब अवगुणों को हरण कर लेती हो, उन्हीं का नाम श्री है। सब अवगुणों को हटा के हमें गुणों की खान दे देती हो, उन्हीं का नाम श्री है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र में उपस्थित होता है। महाराष्ट्र का मंच तैयार हो चुका है, सारी गोपियाँ पहुँच चुकी हैं, सब गोपियाँ तैयारी में हैं महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए, नृत्य करने के लिए। पर एक गोपी, एक सखी कोने में चुपचाप बैठी है। तो किशोरी जू की दृष्टि उस पर पड़ी तो किशोरी जू ने पूछा कि क्या हुआ, तू उदास क्यों बैठी है? गोपी बोली, श्री जी मुझे ना तो गायन आता है, न वादन आता है, ना नाचना आता है, मैं महाराष्ट्र में कैसे सेवा दूंगी? तो किशोरी जू ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी तुझे। और ऐसी कृपा श्री राधा रानी ने उस पर की कि ऐसा कृपा भरा हाथ उसके माथे पर लगा कि तुरंत उसमें सारी कलाओं का संचार हो गया, सारी कलाएं भर गईं श्री राधा रानी की कृपा से। और फिर वो गोपी महाराष्ट्र में नृत्य करने लगी। ऐसे कितने उदाहरण, अरे गोपी तो छोड़िए, खुद कृष्ण में भी जो गुण है ये भी तो राधा रानी की कृपा से ही मिले हैं। ब्रज रसिक महावाणीकार कहते, सुगढ़ भये हो बिहारी याही छाते। ये जो इतने सुगढ़, इतने गुणवान बिहारी जी बने हैं गाने में, नर्तन में, ये सब राधा रानी की कृपा है। लाडली गोरी के गुण गर्वीलो, ये जो ठाकुर जी के चाल में थोड़ा सा गर्व है ना, ये राधा रानी की कृपा से है। हमारे ब्रज में कहते, कारे को अगर कोई गोरी मिल जाए तो वो थोड़ा सा उसके भीतर घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है, कोई एकदम कारा हो उसको एकदम गोरी बहू मिल जाए। तो ठाकुर जी गोरी के गुण गर्वीलो, ये जो गर्व है ना ठाकुर जी का, ये श्यामा जू की कृपा से। और लोग कहते राधा कौन थी, लोग कहते राधा तत्व कोई है ही नहीं। हमें समझना होगा, समझना तो छोड़ दीजिए, ये समझा भी नहीं जा सकता, हमें राधा रानी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम उनके इस भाव को समझ सकते हैं। श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णन आता है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। अर्थात उन राधा रानी की चरणारविंद को पाने के लिए शुक, नारद, भीष्म
न जाने क्या क्या उपाय, क्या क्या उद्यम साधन करते हैं कि हमें किशोरी जो की चरण रज प्राप्त हो जाए, चरणों की वो एक धूली कण प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा रुद्र शंकर, इतना 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 आनंद है श्री किशोरी जी की कृपा में, और उनके इस तत्व को समझना असंभव है। बस एक ही काम हो सकता है कि राधा रानी से बस प्रेम किया जा सकता है। वो करुणा की भंडार है, वो सब पर कृपा करती, वो करुणामयी नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ऐसी वृषभान दुलारी ब्रजगोप वंश मणि, ब्रज की वंश मणि श्री राधा रानी, वृषभान के घर में प्रगटी रानी, कीर्तिदा के जीवन को सफल बनाया। श्री चतुर्भुज दास जी वर्णन करते हैं, अष्ट छाप के जो कवि हैं, आज महामंगल निधि माई, मदन मोहन आनंद निधि प्रगटी, श्री राधा सुखदाई, हरषि हरषि नाचे ब्रजजन, बाटत विविध बधाई। आज ब्रज नहीं पूरा ब्रह्मांड श्री किशोरी जी के प्रागट्य में आनंदित हो रहा है। वृषभान के घर अष्टमी को लाली आई, एक कमल के ऊपर रावल नामक ग्राम में श्री किशोरी राधा रानी का प्रागट्य हुआ। और कहते हैं, कथा शास्त्र का वर्णन आता है कि प्रकट होने के बाद भी किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि किसी की प्रतीक्षा थी। इस जीवन में जो रूप लीला माधुरी के लिए श्री किशोरी जी आई हैं ठाकुर जी की लीला में सहयोग देने के लिए, तो
जब तक अपने श्याम सुंदर को नहीं देखूंगी मैं इस जगत में और दूसरे किसी भी जीव को देखना नहीं चाहती। ये भाव रख करके श्री किशोरी राधा रानी ने अपनी आंखें बंद रखी। और कब आंखें खोली? जब एक दिन यशोदा रानी अपने लाला को लेके रावल आई, और जब लाला आए रावल में और श्री किशोरी राधा रानी ने श्री ठाकुर जी को देखा, तो देखते ही वृषभानुवर ने नेत्र उघारे, वृषभान नंदिनी ने अपनी आंखों को खोल दिया और प्रथम दर्शन श्री लाल जी का किया। तो इस प्रकार राधा रानी का किशोरी जी का प्रागट्य हुआ। और इसके उपरांत किशोरी जी की भी बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। थोड़ी बड़ी हुई, अपनी साथ की सखियों के साथ राधा रानी खेलने लगी। तो एक दिन खेल रही थी, तो खेलते खेलते इनके मन में आया कि क्यों ना एक लीला की जाए। जैसे छोटी सी कन्याएं होती हैं, कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलती है, तो वैसे ही ये सारी सखियां एकत्रित होकर के मिट्टी का घर बना रही थी। और उसमें उस घर में थोड़ा सा एक रसोई घर, और उस रसोई घर में राधा रानी भोजन पका रही हैं। तो भोजन पकाते पकाते सोचा कि क्या भोजन में आज बनाएं, तो राधा रानी ने आज खेल खेल में एक मिट्टी के लड्डू बनाए, माटी के लड्डू बनाए। तो इतने में ही वहां से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। उन्होंने देखा बालिकाएं खेल रही हैं, राधा रानी मध्य में बैठी हैं, लड्डू बना रही हैं। दुर्वासा ऋषि आ गए समीप में, तो सारी ब्रज की गोपियां बोली, अरे बाबा बढ़िया है गो, तू यहाँ आ गो, अरे हमारी किशोरी जू ने अभी अभी लड्डू बनाए, बड़े सुंदर खाए गो। दुर्वासा ऋषि बोले, बिल्कुल दो। अब लड्डू निकाले तो देखे लड्डू तो माटी के हैं, ना तो कोई बेसन के ना मोती चूर के, ये तो माटी के लड्डू हैं। पर अब दुर्वासा ऋषि क्या कहें, कैसे मना करें। तो ले लिया, लेकर के थोड़ा सा तोड़ के कि इनका मन भी रह जाए, अपने मुख में डाला। और जैसे मुंह में इतना सा कण डाला, आहा अद्भुत अद्वितीय स्वाद आज तक जो किसी भोजन में ना आया हो। और फिर तो दुर्वासा ऋषि पूरा ही भोग आरोग गए और आशीर्वाद दिया श्री राधा रानी को कि तुम्हारे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा देवी, और जो भी तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण करेगा उसकी आयु की वृद्धि हो जाएगी। अब ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि राधा के हाथ का जो खाएगा उसकी आयु वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात यशोदा जी के कान में पहुंची। मन में आया, काश राधा मेरे घर आके भोजन बनाए और वो भोजन में अपने लाला को कराऊं तो इसकी खूब लंबी आयु होगी। तो नंद रानी ने कीर्ति के घर, वृषभान जी के घर निमंत्रण भेजा कि अपनी लाली को हमारे घर भेज दो। और श्री राधा रानी आज अपनी अष्ट सखियों के साथ चल पड़ी, पहुंची नंद महल। नंद महल जाकर के भोजन बनाया, और उनके भोजन को पाकर के उस स्वाद को देख के यशोदा रानी इतनी प्रसन्न भई, सोचा काश ये हमारे लाला की बहू बन जाए, हम अपने लाला को ब्याह यही ते करा दें। तो यशोदा रानी ने थोड़ी सी हल्दी ली और राधा रानी के हाथ में लगा दी, मानो जैसे कि सगुन की मेहंदी लग गई हो कि हमने तुमको चुन लिया है। अब राधा रानी ने हाथ में देखा, बड़ा सुंदर रंग आया है, वो तो बड़ी खुश हो गई, नृत्य करती उछलती उछलती बरसाने आ गई, ललिता विशाखा को दिखा रही है। तो ललिता विशाखा बोली, अरे पगली राधा, तुझे पता इसका मतलब? इसका मतलब है कि यशोदा ने तुझे अपने छोरा के लिए चुन लिया है। अब जैसे राधा रानी ने सुना तो बड़ा संकोच हुआ, अब ऐसे हाथों को लेके अपने घर कैसे जाऊं। तो बरसाने में घुसने से पूर्व कुंड था, उसमें राधा रानी ने अपने हाथ धो दिए और उसका जल पूरा पीला हो गया, जिसको पीली पोखर कहते हैं अभी, और उसका एक नाम प्रिया कुंड भी है। तो इस प्रकार श्री राधा रानी की और ठाकुर जी की अत्यंत मधुर लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं। अब कुछ लोग कहते हैं राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। अब अगर दूसरे संदर्भ में देखें, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि के अनुसार तो विवाह हुआ है, लेकिन
हमारे परकिया भाव में ये कहा गया है कि शायद विवाह हो जाता तो वो आनंद और वो प्रेम न होता। स्वकिया भाव में वो रसास्वादन नहीं किया जा सकता जो भाव परकिया में आता है, इसलिए विवाह का विधान नहीं किया गया। इसके उपरांत श्री राधा रानी की अष्ट सखियां हुई, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, भूदेवी, ये सब श्री राधा रानी के अष्ट सखियां हैं। और इन अष्ट सखियों ने भी राधा रानी की लीलाओं में खूब सहयोग किया है, खूब इन गोपियों ने राधा रानी के साथ मिलकर के ठाकुर जी की सेवा की है। और देखिए, कई बार लोग मुझसे पूछते मंजरी भाव क्या है, तो मंजरी भाव में या ब्रज उपासना में हमारी गिनती कहाँ पर आती है? सबसे पहले रसिक शेखर श्याम सुंदर, उसके बाद राधा रानी, राधा रानी की आठ सखियां, उन आठ सखियों की भी पुनः आठ आठ सखियां हैं जिनको मंजरी कहते हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, ये सब उन आठ सखियों की आठ आठ मंजरियां हैं, तो हो गई 64। उन मंजरियों के अंतर्गत आते हैं हमारे गुरुदेव, और उन गुरुदेव के अंतर्गत होते हैं हम, जिन गुरुदेव से हम दीक्षा लेते हैं, और फिर वो हमें एक मंजरी भाव देते हैं, और तब हम गुरुदेव के अनुगत होते हैं, गुरुदेव मंजरियों के, मंजरी होती है सखियों के, और सखियां होती है राधा रानी की। इस प्रकार ये पूरा मंजरी भाव की श्रृंखला चलती है। ये संप्रदाय क्या होती है, गुरु क्या होता है, ये मैं किसी और दिन आपको समझाने का प्रयास करूंगी। चार संप्रदाय कौन सी हैं, उनकी दीक्षा कैसे होती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग संशय में रहते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु से जब पूछा जाता था कि सबसे बड़ी उपासना किसकी है, तो महाप्रभु एक श्लोक के द्वारा सुनाते थे, अराधयो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महान श्रीमन महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परः। यानी अराधयो, किसकी आराधना करनी चाहिए, ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, वो ब्रजेश तनय जिनका धाम वृंदावन है, रम्या काचित उपासना जिनकी उपासना बड़ी बड़ी रसमयी है। ये उपासना आरंभ किसने की, ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, ब्रज वधु यानी ब्रज की गोपियों ने इस उपासना को आरंभ किया है। तो ऐसी उपासना जो गोपियों के और श्री राधा रानी के अनुगत में की जाती है, उसी को मंजरी भाव कहते हैं। हम सबको अगर कृष्ण प्राप्ति करनी है तो अपने मन में मंजरी भाव लाएं, सखी भाव लाएं, और फिर ठाकुर जी की सेवा करें, तो आपको अद्भुत आनंद उसका प्राप्त होगा। तो ऐसी श्री किशोरी जी की कृपा हम सब पर बरसे, और जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं जिनको राधा तत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो राधा रानी को एक महिला ग्वालिन समझ बैठे हैं, उनको श्री किशोरी जी कृपा करें ताकि उनका मन भी उनके चरणों में लगे। और अंत में मैं एक बड़ा सुंदर भाव, एक बड़ी ही सुंदर वैष्णव है राधा रानी की, बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, स्नेह है उनका किशोरी जी के प्रति, उन्होंने अपने भाव लिखे हैं, तो मैं उनके भाव गाते हुए आज के इस राधा तत्व के प्रसंग से विदा लूंगी, जिसमें उन्होंने अपना भाव प्रकट करते हुए लिखा है कि अभी तो हम सोचते हैं राधा रानी मिलेंगी, ऐसी होंगी, जिस दिन मिल जाएंगी विचार करिए वो दिन कैसा होगा। तसव्वुर में ये हालात है तो सच का हाल क्या होगा,
हकीकत में मिलोगी जब तो मेरा हाल क्या होगा। अभी तो उनकी यादों ने मेरा तन मन भिगोया है, लगाएगी वो सीने से तो मेरा होगा। मैं अक्सर चाह कर भी उनसे मिलने क्यों नहीं जाती कि वापस जब मैं लौटूंगी तो मेरा हाल क्या होगा। अभी नजरें झुकी उनकी मगर ये डर सताता है, मिलेंगे जब निगाहों से तो मेरा हाल क्या होगा। तसव्वुर में ये हालात है तो सच का हाल क्या होगा। आप सब पर श्री राधा रानी अपनी कृपा बरसाती रहे और आप उनका नाम दिन ब दिन प्रेम से लेते रहे, आपका प्रेम उनके चरणों में बढ़ता रहे, ऐसी श्री किशोरी जी से मेरी प्रार्थना है। कल पुनः हम सब मिलेंगे और किसी और विषय, किसी और भगवत भक्त पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे।